उमरिया में बंदूक की नोक पर नकाबपोशों ने हार्डवेयर की दुकान को लूटा, जिसकी सूचना दुकान के व्यापारी ने पुलिस को दी। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। उमरिया जिले की कानून व्यवस्था दिनों दिन खराब होती जा रही है और पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। बीते दिनों SISF जवानों पर हमला हुआ था, अब नकाबपोशों ने बंदूक की नोक पर हार्डवेयर दुकानदार से लूटमार कर दी। इसकी सूचना व्यापारी ने पुलिस को दी। व्यापारी ने पुलिस को बताया कि उसकी हार्डवेयर की दुकान पर नकाबपोश स्कूटी से आए और कट्टे की नोक पर इन्होंने व्यापारी के साथ झूमाझट्टी की। दुकान के काउंटर में रखे हुए पैसे और मोबाइल लेकर फरार हो गए। व्यापारी ने बताया कि नकाबपोशों ने कट्टे से फायरिंग भी की थी, लेकिन गनीमत रही कि इस फायरिंग से किसी को नुकसान नहीं हुआ। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लूटपाट का प्रकरण दर्ज कर लिया है। घटनास्थल से पुलिस को जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ बंदे सुपारी की बात कर रहे थे, जैसे कुछ लूटपाट का कुछ था, उन्होंने तुरंत कट्टा लगा दिया। कट्टा लगाने के बाद उन्होंने सीधे बोला कि फायरिंग कर दो, मतलब इसमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने जैसे वो फायरिंग की बात करी तो मैंने सोचा कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, बट फिर भी मैंने हिम्मत दिखाते हुए फिर मैंने उनके कट्टे को पकड़ लिया कि अब मैं जाऊँगा तो जाऊँगा। और इसके बाद फिर उन्होंने मेरे और जैसे ही फायरिंग की मैं सीधे पे, तो मैंने उसको पकड़ के गोली को ऊपर कर दिया, जिससे जैसे ही गोली निकली मुझे पता नहीं चला, मेरा हाथ ठंड हो गया और मेरे हाथ पे गोली लगी। तीन बदमाश उनके पास कोई स्कूटी से आए और उन्होंने उनकी दुकान में जो कैश काउंटर होता है वहाँ से लूट करने का प्रयास किया, और फिर इस बीच में उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो कट्टे से फायर किया, और उसके बाद वो जो उनके करीब 9 से 10 हज़ार रुपये उनके कैश काउंटर में होना बता रहे हैं, जिसको लेकर वो भाग गए। और इसके आधार पर पुलिस ने तत्काल इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है, और प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें अभी विवेचना की जा रही है। हम सभी पहलुओं पे इसमें जांच अभी कर रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।